hello students today we are going to study about flutters of thought flutters of thought is written by suzanne eckenrod she was born on 17th of feb 1824 in cambria county usa and died on 1854 she was inspired and motivated to write by her friend both her father and her husband were in air force so she used to travel a lot which helped her and gave new idea to write poems so one of them is flutters of thought words seem to escape the poet when she wants to capture some of her thoughts do they hold some magic Sometimes words were not sufficient for our thoughts. She is talking about the magic of thoughts, which is not having any type or limit of boundaries. She wants to capture her thoughts like cocoon until it becomes mature. So let's see the explanation of the poem. The poem is: आई विश डैट आई कोड रैप माई वर्ड्स अराउंड ईच फ्लिटिंग थाट जो पर्टस है वो कह रही हैं कि वो अपने हर एक वर्ड्स को जो भी उनके माइंड में जितने भी वर्ड्स हैं जो भी वो सोचती हैं उनको वो अपने थाट्स के थ्रू मतलब अपने विचारों के थ्रू अपने सारे वर्ड्स को वो रैप करके रखना चाहती हैं वो चाह रही हैं कि जो भी उनके माइंड में या जो भी उनके मन में जितने भी थाट्स आते हैं उनके एक एक वर्ड को वो रैप करके मीन्स उनको पकड़ के रख लें ठीक है डेट फ्लेट्स एंड फ्लैटर्स थ्रू माय माइंड वो कह रही हैं कि जो भी उनके माइंड में दिमाग में जो भी थॉट्स हैं जो छोटे छोटे समय में मतलब थोड़े थोड़े टाइम में सारे के सारे बहुत सारे थॉट्स उनके माइंड में बार बार फ्लटर्स हो रहे हैं मीन्स वो एक सेकंड में क्या सोचती हैं और नेक्स्ट सेकंड में वो कुछ और सोचने लगती हैं तो हर एक थॉट को वो अपने माइंड के थ्रू वो अपने वर्ड्स के थ्रू सबको रैप करके रखना चाह रही है। mode, that won't be caught. हैं अ मौत डेट वॉन्ट बी कॉट बोलते मतलब जैसे एक जो मौत होता है जो एक बटरफ्लाई होती है उसको जैसे कैद करके रखना बहुत मुश्किल है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है उसी तरीके से जो हमारे थॉट्स हैं, उनको भी रैप करके रखना बहुत मुश्किल है वो चाह रही हैं कि उनके हर एक थॉट को वो रैप करके रखें बट ये पॉसिबल नहीं है ये कैसे पॉसिबल नहीं है बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक बटरफ्लाई को ईज़ीली पकड़ना पॉसिबल नहीं है ठीक है फ़ ओनली इट वुड लाइट अ वाइल एंड रेस्ट इट्स रेस्टलेस विंग्स जैसे एक बटरफ्लाई कहीं पर रेस्ट करती है और विद इन नेक्स्ट सेकेंड में वो वहाँ से उड़ जाती है तो वैसे ही बिल्कुल उसी तरीके से हमारे माइंड में एक थाट आता है और विद इन वन सेकेंड वो कहीं गायब हो जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा थॉट आने लग जाता है ये हम लोगों ने अक्सर हम अपने मन में भी देखा होगा हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि कभी हम कुछ सोचते हैं एक सेकंड तक हम कुछ सोचते रहते हैं इससे पहले कि हमारा वो थॉट वो जो थॉट है वो मैच्योर हो हमारे माइंड में कोई दूसरा थॉट आने लग जाता है हम कुछ और सोचने लग जाते हैं तो जो पोइटर्स हैं वो कहती हैं कि वो अपने हर एक थॉट को रैप करके मतलब पकड़ के रखना चाहती हैं अपने वर्ड्स को हर एक वर्ड्स को थॉट के थ्रू अपने माइंड में वो रखना चाहती हैं बट ये पॉसिबल नहीं है आई वुड रेज द वर्ड्स टू वीव कुकून टू होल्ड सच लवली थिंग्स बोलते मैं मेरे वर्ड्स को उसी तरीके से पकड़ के रखना चाहती हूँ जैसे एक कोकोन के अंदर एक जो लार्वा होता है वो कैद रहता है मगर ये हमें भी मालूम है कि जो एक छोटा सा लार्वा होता है वो जब बटरफ्लाई बन वो जब तक लार्वा है ठीक है जब तक तो वो कुकुन के अंदर कैद है मगर जैसे ही वो बटरफ्लाई बनता है वो जैसे ही मैच्योर होता है वो कुकुन को तोड़ के और उसमें से उड़ के बाहर चला जाता है और वो आसमान में उड़ने लग जाती है बटरफ्लाई उसी तरीके से हमारे मन में कोई भी अगर कोई थॉट आता है कोई विचार आता है तो वो थोड़े टाइम के लिए हमारे माइंड में रहता है बट इससे पहले कि हम उसको सक्सेसफुली कि उसको मतलब कर सकें उस थॉट को हम सक्सेस कर सकें अपने लाइफ में उससे पहले ही वो थॉट हमारा चेंज हो जाता है और उसकी जगह हम कुछ और सोचने लगते हैं मीन्स अगर अभी हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो विद इन नेक्स्ट मिनट में हम उसके आगे की और प्लानिंग करने लग जाते हैं और जो हमारा स्टार्टिंग में थॉट था वो कहीं और गायब हो जाता है उसकी जगह कुछ और हमारे माइंड में आ जाता है ठीक है तो जो पोइट में उसने बहुत खूबसूरती से देखो इसको कहा है कि जैसे कि लार्वा कोकून में कैद रहता है वैसे ही मैं मेरे थॉट्स को भी कुकून में मतलब अपने माइंड में कैद रखना चाहती हूँ बट रियल में उसको होल्ड करके रखना बहुत मुश्किल है तो यहाँ पे मेटाफर का यूज़ हो रहा है ये जो पूरी पोम है ये मेटाफरिकली पोम है ठीक है इसमें हर जगह मेटाफर्स का यूज़ हुआ है नाउ

उस ट्यून को याद रखना चाहते हैं स्टार्टिंग वाले जो ट्यून है जो लिरिक्स है उसको हम कैप्चर करके रखना चाहते हैं बट जैसे जैसे हम आगे का गाना सुनते हैं उसको भूलते जाते हैं और जो नया ट्यून हमारे सामने आ रही है या जो नई राइमिंग हमारे सामने आ रही है हम अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं तो ये सब मैजिक है ये सब वर्ड्स के मैजिक हैं कि जैसे जैसे हम नए वर्ड्स सुनते हैं हम उसके बारे में सोचने लगते हैं वो थॉट्स हमारे मन में आते हैं और बाकी जो पहले का जो हमने ट्यून सुना हुआ है वो पीछे रह जाता है तो बिल्कुल उसी तरीके से वो ये कह रही हैं कि हम नए नए थॉट्स एक एक सेकंड में हमारे माइंड में फ्लटर होते हैं तो यहाँ पे हमारा मैजिक वर्ड हुआ फ्लटर्स फ्लटर्स किसके लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे थॉट्स के लिए कि हमारे जो थॉट्स हैं वो एक, एक सेकंड में चेंज होते रहते हैं जैसे कि जो बर्ड है वो अपने विंग्स को फ्लैप करती है एक एक सेकेंड में ओके okay, तो यहाँ पे बहुत सारे मेटाफर का यूज हुआ है एंड द पोट्स शी वॉन्ट टू कैप्चर हर थाट्स लाइक कुकोन एंड इट बिकम मैच्योर शी वॉन्ट टू मेक अ पोट्रेट ऑल दीज इनटू अ ब्यूटिफुल पोम और सॉन्ग अपने सारे थाट्स को वो एक पॉइट्रेट के थ्रू अपने मन में रखना चाहती हैं एक ब्यूटीफुल पोम बना के या सॉन्ग बना के बट वो भी एक एक सेकेंड में चेंज होता रहता है I think you understood the poem very well. So, thank you. Stay safe. Stay home.